विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थी। सीधी में 60 घंटा के लॉकडाउन लगा बगा है। वो लॉकडाउन का लेके जिला पंचायत में कुछ बैठक चल रही है, किंतु उससे पहले हम जान ले कि लॉकडाउन आखिर लगा काहे है। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश सरकार हवाला दे रही है कि कोरोना जो है बेकाबू हो रहा है, लॉकडाउन एक आखिरी विकल्प है जो उन्हें का उपयोग किया जा रहा है। हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान जी है। क्या लागत है ये कोरोना के असर का बेअसर कह पाई लॉकडाउन अपना के? निश्चित रूप से करीश जी, पहले तो अपना का धन्यवाद कि अपना चिंतित हैं। पिछले साल से जब कोरोना के कहर हमारे देश में आवा चीन से हो, तो लॉकडाउन एक ऐसा प्रक्रिया रही जब भारत 106वें नंबर में स्वास्थ्य में रहा। अमेरिका सरीखे देश, स्पेन, फ्रांस जहाँ की 1, 2, 3, 4 में स्वास्थ्य में उपजे रहें, तो वो लगातार वहाँ लाखन में संख्या मरे वाले की रही जब कोरोना वायरस से पीड़ित रहे। लेकिन भारत में हुआ संख्या नियंत्रण भय ऐसे भय नियंत्रण में आई कि यहाँ लॉकडाउन किएगा। लॉकडाउन करे के साथ साथ जो सरकार व्यवस्था बनाई ऐसे कि भारत की जो जनसंख्या है अमेरिका सरीखे देशों से 4 गुना से ज़्यादा रही, तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा चूँकि उतनी नहीं रही, तो लॉकडाउन एक कारगर उपाय रहा। और निश्चित रूप से फिर से यह कारगर हुई, हम यह मानी थे कोरोना से हम पचे जीतब और लोगों की जिंदगी बची। निश्चित तौर पर हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी और समाज सेवी, और यह कहा जाए कि व्यापारी में अच्छा खासा अपना, तो यह बताइए व्यापार कितना प्रभावित है यह लॉकडाउन से या कोरोना से? और का व्यापारी तो मतलब ठीक है, जो बड़े व्यापारी है, जो पूंजीपति है, उनका पेट तो भर जा रहा है। जो रोड किनारे बेचारे जो लगावर रहे हैं, यह लॉकडाउन से तो उनका रोज कमाए कर रहा, रोज खाए कर रहा, किंतु लॉकडाउन आए के बाद वो तो भूखन मर जाए, यहीं पर उनका परिवार भूखन मर जाए, उनके खेती का व्यवस्था का लागत है या पूरे लॉकडाउन? यह बहुत बड़ी समस्या पूरे देश के अंदर आ गया है। हर व्यापारी ग्रसित है, छोटा व्यापारी बहुत ज़्यादा ग्रसित है। जो फुटपाथ में लगावत रहे उनका व्यापार बंद हो गया, रोजी रोटी को उनका एक साधन रहा फुटपाथ में व्यापार करब। और जितने सीधे में दुकानदार हैं लगभग 60-70% लोग किराए से दुकान ली है, उनका किराया देख पड़ रहा है, रोजगारों बंद हो रहा है, पर जीवन बचावक है तो कुछ न कुछ परेशानी लेख पड़ी। शासन के ध्यान दे चाहिए, गरीबन के पेट कस के चली, फुटपाथ में कस के रहा, उन्हें ढंग से रहा, लॉकडाउन लगाए पर समय के ध्यान दी जाए। लगन सीजन टाइम, शादी बारात के टाइम है, कम से कम 9 बजे रात तक दुकान खुली रहा, 9 बजे के बाद फिर लॉकडाउन लगावा जाए। का कपड़ा व्यापारी बेचत हैं फुटपाथ में बेचत हैं, तो उनका दुकान में कपड़ा उकस जाते हैं, एक साड़ी खोल देते का बनावे में आधा घंटा लगा। जैसे शासन प्रशासन से चाहब कि व्यापारियों के ध्यान में देते हुए वो कहे कर्जा में लाएँ कपड़ा, सोना चांदी वाले हैं क्यों हैं, सब व्यापारी कर्जा में काम करते हैं, बेच के फिर माल देते, यदि उनका समय न दी जाए तो व्यापार न कर पाए। और साथ में अपन व्यापारी किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते सभी व्यापारी से अपील करें, चाहे हर दुकानदार अपने दुकान में मास्क रखा है, और जब ग्राहक जाओ उनका मास्क देके उनसे जितने खरीदा है वो उतना मास्क के पैसा वसूलो, शासनों का सहयोग हो, अपनों बचत हुई। ऐसे हम चाहब कि हर व्यापारी वर्ग अपने दुकान में मास्क रख के शासन के सहयोग करें, अपन जीवन रक्षक के काम करें। मास्क और डिस्टेंसिंग काम ये करब बहुत जरूरी है। ऐसे हम सब जनता से चाहते हैं कि बाज़ार के अंदर जी जनता चला तो वह मास्क लगा के चला, और दुकान के अंदर जाए तो दुकानदार नहीं लेना है मास्क तो उनको मास्क फ्री में दे, चाहे पैसा लग दे, मास्क वितरण हो, हर व्यक्ति के चेहरे मास्क हो। निश्चित तौर पर हमारे साथ जिला अध्यक्ष है, तो हम कुछ पूछे थे कि मध्य प्रदेश में यदि कोरोना की बात की जाए अपना भी व्यवस्था के कहो कहो जिक्र करें कि व्यवस्था बेहतर भई, किंतु हालात यह है कि कब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती, भोपाल में तो 3 से 4 लोगों की मौत हो जाती, तो मतलब साल भरे में अपना सरकार करी इसका यह व्यवस्था के नाम पर का व्यवस्था का है कि आजो जो है यह में स्थिति निर्मित है। देखिए कनीष जी, वैक्सीन खत्म हो जाए लगी। देखिए कनीष जी, क्या है कि जहाँ तक वैक्सीन की बात है कोनो कमी नहीं है। वैक्सीनेशन तो पूरे क्षेत्र में और सीधी जिला में 53 जगह होला है, 53 जगह होला है, वहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं है, सुने में नहीं आवा सीधी में कि कोनो कमी आई है। रही बात का होते कि जे जवाबदेह लोग हो था जिसे कमी बताएं, सीधी में 200 गैस ऑक्सीजन के सिलेंडर परमानेंट रखेला है एडवांस 200, तो सीधी में पर्याप्त व्यवस्था है, सीधी में वह की कमी नहीं है। हाँ दूसरे शहरन में हुई वहाँ के लोग कुछ देखा तो ही जाना, लेकिन सीधी में ऐसा कोई कमी नहीं आई। रही बात अगर थोड़ बहुत कहाँ कमी आवती
तो जो जिम्मेदार जवाबदेह वो विभाग के लोग हो था उनके कोताही की वजह से हो, सरकार की कोताही नहीं। सरकार बेहतर व्यवस्था बनाए है, जैसे अब एम्बुलेंस की चर्चा चल रही, सांसद जी इतने प्रश्न उठाएं कि सिविल सर्जन जो उन्हें जब हम कहें तो वह इतने मौत हो गए, लेकिन वह कार्रवाई वह एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, ठीक ना। तो वह किसकी वजह से, इतने व्यक्ति की वजह से, सरकार की वजह से नहीं, सरकार की ऐसी व्यवस्था है। ऐसे पूरे क्षेत्र में जो उन कोरोना वैक्सीनेशन के काम चल रहा है वह बेहतर तरीके से चल रहा है, 53 केंद्र बने ला हाँ। लॉकडाउन ऐसे बेहतर विकल्प है कि लोग जागरूक हो जाएं कि पहले से यह ज़्यादा खतरनाक एदारी हमारे बीच में यह मर जावा है, और जब लॉकडाउन हुई तब हमारे यह देश के लोग गंभीरता से ओका समझा था कि वास्तव में अब खतरा आएगा। अपना यह देखिए कि हम बच्चे उन दिन मास्क बांटा रहें, अपना ओखर साक्षी हैं, जब मास्क बांटा रहें लगभग वो रोज़ हम बच्चे 5,000 के आसपास मास्क बांटते हैं, 3-4 घंटा बांटे हैं, अकेले नहीं 100-150 लोग रहे बांटे हैं, पूरे सीधी में लगा कि सब मास्क लगाए हैं लेकिन फेंका निकला। 1 घंटा बाद पता चला कि क्योंकि चेहरा मास्क है नहीं है। तो जो गंभीरता है वह गंभीरता ले आवे खातिर 2-3 चीज़ जरूरी है, लॉकडाउन जरूरी है, और जो ओपन जेल की व्यवस्था करें कि अब हमारा जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी है उनमें ओपन जेलों की व्यवस्था किन गए है कि 2-3 घंटा का जो मास्क न लगाए रहा उनका खड़ा कर दिन जाए, अब बैठावा जाए, उसके बाद उनका कोनो दंड न दिन जी, लेकिन यह दंड नहीं कि 3 घंटा तो एक जगह बैठा कर पड़ी ओपन जेल में, अस्थाई जेल बनाई, अस्थाई गंभीरता का समझा मर्ज के। ऐसे कि देखिए बीमार भय के बाद बचाव कठिन होता है, सबसे अच्छा तरीका है कि बीमारें न हुई, अब बीमार न हुई एक ही खातिर मास्क दूरी लॉकडाउन चैन तोड़ब यह बहुत जरूरी है। नहीं तो जिला के आर्थिक गतिविधि के का हुई, देखिए क्या है कि जहाँ तक जिला के आर्थिक गतिविधि के प्रश्न है तो पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगावा जा लगा, जैसे सब्जी की दुकान खुली हाँ हाँ कलेक्टर साहब से बात कर ली अपना, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है, उद्योग चल रहे हैं, सारी चीज़ चल रही है जी। हमारे साथ रहे जिला अध्यक्ष महोदय व्यापारी संघ के भोला गुप्ता जी, अपना के द्वारा सब बतावा गया, जानकारी दीन गए, जो ने मां साफ तौर में यह कहा गया कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है, अपन बहुत ख्याल रखो, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखो, धन्यवाद, प्रणाम।